हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। मैं राजकुमार, माय यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक फॉर यू में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको आज से आपकी जीरो से जीरो टू हीरो क्लास शुरू करने वाला हूँ। इसमें आपका टोटल कैलकुलेशन बेस्ड होगा कि आपका बेस मजबूत हो जाएगा। ये भी क्लास चलती रहेगी और जो आपका दूसरी क्लास चलाएंगे वो अगल से चलेगी और कैलकुलेशन बेस्ड ये भी आपकी क्लास चलती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। से आपका पहला सवाल है 1.1 और प्लस 11.11, इसे जोड़ोगे तो 1.1। आपको पॉइंट के साथ पॉइंट रखना है, इधर पॉइंट यहाँ पर, ये मतलब इसे सीधे इधर कुछ भी कर सकते हो। आज इधर आप जीरो भी कर सकते हो, इधर भी बढ़ा सकते हो। अब इसे ऐड है ना, तो जोड़ो इसे 1.21। ऐसे अगला सवाल देखते हैं। सवाल तो लिखा ही है, सीधा है, इधर हल करवाते हैं बस। इधर 4, इसमें पॉइंट तो है नहीं कुछ। अगला यानी 4.44, इधर आपको पॉइंट का ध्यान रखना है। अगला इधर 4.4, इधर 4.04, इधर अब इधर लास्ट वाले में यहाँ तो कोई पॉइंट है नहीं, तब आप क्या करोगे, इधर ही लिखना है 4.44। इधर इधर आप अपनी मर्जी से इधर जीरो लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी कर सकते हैं। अब आप इसे जोड़िएगा 8, इधर 8, इधर भी हो गया, इधर 4 कितना 20, और इधर 8 to 10 4 और 5। अगला देखते हैं, 0.5, 0.05, 0.005। इसे भी आप इधर जीरो लगा सकते हैं, 5 5 5, ये भी सवाल हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। जीरो एट 20.008, 20.088, फिर आपका 20.888 से जोड़ोगे 24 24, और 26 10, इधर कितना 10, इधर कितना कह रही है, आपका 1 आया था, 1 लिख दो, 2 4 6 8, ये हो गया। अगला देखते हैं, 5 नंबर सवाल आपका, 3 4 5 9 पॉइंट। विशेषकर पॉइंट का ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं इसमें होता है। इधर आपका यहाँ पर यानी 3 4.59 ये है, तो आपको पॉइंट से पॉइंट लगाना है। अब पॉइंट का इधर वाला इधर लिख देना है, और पॉइंट की उस साइड है वो उधर लिखना है आपका। अगला यानी 3.459.3459 0 0, इधर भी कर लो, यहाँ भी 0, यहाँ भी, यहाँ भी 0, यहाँ भी लगा सकते हो। 9 14 और कितना 9 18 और 19 9 और 3 12 12 और 9 21 21 और आपका 22 2 आएगा कैरी, 4 5 यानी कैरी भी इधर 5 10 14, और इधर आपका 7
7 और 1 8, इधर आपका 3 हो गया। दोस्तों अगला सवाल आपका है 6 नंबर सवाल, यानी 2 × 0.2 × 0.002 × 0.002। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ अंक से मतलब रखना है। अगर आप पॉइंट देखोगे तो बहुत दिक्कत होगी, आप हल नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना, सिर्फ अंकों से आपका कितना 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी आपका 16 हो जाएगा। अब आप यहाँ नहीं, एक यहाँ पर छूट गया आपका 1 0 यहाँ पर ये। अब आपको यहाँ कितना 4 यहाँ पे हो गया 3, यानी 7 और 1 8, यानी आपको यहाँ पर 8 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, यानी 8 अंक से पहले लगाना है आपको। तो यहाँ पर कितना 4 हो गया, यहाँ 6 हो गया, 8 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अगला देखते हैं, 0.00075/15। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट ऊपर वाले हटाना है। तो आपको 0000, यानी 5 है ना, तो 5 यहाँ हट गया। अब आपका यहाँ से कोई मतलब नहीं, यहाँ से 15 यानी 5 बार जाएगा, ऊपर 5 है, पॉन में कितना नीचे आपका 5 0 है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर यानी दशमलव के बाद 5 अंक होना चाहिए, क्योंकि आप 5 0 हैं, तो 5 लिख दो, उसके बाद 1 2 3 4, ये हो गया ना आपका आंसर हो गया ये। अगला देखते हैं आपका 0.008 में आप 0.02 का करोगे। तो पहले आपको पॉइंट हटाना है, पॉइंट यहाँ पर 3 है तो आपको नीचे 3 0 लगाना है, यहाँ पर नीचे 2 है तो आपको 2 0 ऊपर लगाना है। इधर आपका ये हट गया है, यहाँ से भी आपका हट गया है, यहाँ पर ये कटा, ये भी कट जाएगा आपका। अब 2 यानी 4 बार जाएगा, 4 में आप 10 यानी 0.4, ये आपका आंसर हो गया। अगला दोस्तों अगला देखते हैं, ये 2 में आप 0.0025 का करोगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ये हटाना है, तो ये हटाने के लिए ऊपर आपको यहाँ पर कितना 1 2 3 4, यानी ऊपर 4 0 लगाना है। अब यहाँ से आपका हट गया, अब आप क्या करना है, भाग देना है, यानी कितना 4 बार जाएगा और 2 0 है आपका, तो 4 2 जाए यानी 800 हो गया। दोस्तों अगला देखते हैं, 0.3636 और 0.06। इसमें भी करना है, तो आपको ऊपर 4 अंक बाद है तो आपको नीचे उसके यानी अपोजिट में 4 0 लगा देना है। अब आपका यहाँ से हट गया, अब आपको नीचे इसे हटाना है, तो आपको यानी 1 2 0 ऊपर लगाना है, तो आपका ये भी हट गया। अब 2 0 से 2 0 कट गया, अब आप इसमें भाग दोगे यानी 6 बार जाएगा, फिर क्या 0 फिर 6 बार जाएगा। अब यहाँ पर 606/ में आपका 100 है, तो आपको क्या करना है, भाग देना, तो भाग क्या 2 0 है तो उसमें 2 0 यानी 2 अंक पीछे से लगा दो, 6.06, ये आपका आंसर हो गया। अगला देखते हैं आपका 9/1 0.17। इसे भी आपको, अब जब नीचे भी बराबर अंक हैं ऊपर भी बराबर अंक है तो हमें कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चलो एक बार देख भी लो, यहाँ 2 0 यहाँ से हटाओगे, यहाँ पे 2 0 जीरो जीरो ख़त्म हो गया, ये यहाँ से भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे भाग दोगे, यहाँ पे 1 बार जाएगा, 3 बचेगा आपका, 2 बार जाएगा, फिर आपका 3 बार जाएगा, 3 बार, ये भी आपका आंसर हो गया। अगला देखते हैं 2.5/0.005, आप नीचे से हटाओगे तो आपको ऊपर 3 0 लेना पड़ेगा, ऊपर से हटाओगे तो आपको 1 0 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 0 से 0 ख़त्म हो गया आपका। अब ये भी ख़त्म हो गया, यहाँ पे कितना 5 बार गया, तो आप गुणा करोगे यानी 500 आ गया। दोस्तों ये वाली सीरीज, यानी ये सीरीज का नाम है 0 से 0। आप कुछ भी समझ, यानी आप कैलकुलेशन भी नहीं कर पाते हो,
तो आपको वो भी सिखाया जाएगा। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी जिससे आपका बेस मजबूत होगा। और अगल से जो वीडियो मगर जो चैप्टर वाइज कराया जाएगा वो अगल से कराया जाएगा। तो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।